दोस्तों, रेलवे फाटक या लेवल क्रॉसिंग का रेल यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने में अहम योगदान है। साथ ही पब्लिक और वाहन को रेल लाइन पास करने के लिए सुरक्षित रास्ता देता है। इसे संपार भी कहते हैं। यहाँ रेल की पटरियाँ एवं सड़क दोनों एक ही लेवल में होते हैं, इसीलिए इसे लेवल क्रॉसिंग भी कहा जाता है, जिससे कि उस होकर पास करने वाले वाहनें आसानी से पास हो जाएं एवं रेल एवं सड़क के मटेरियल के बीच एक चेक रेल होता है जो रेल पर रेल के पहिए को स्मूथ रनिंग के लिए गैप देता है। यहाँ पर एक हाइट गेज भी लगा होता है जो OHE सेक्शन पर लगा होता है और वह अधिक ऊंचाई तक उठे या ओवरलोडेड वाहनों को पास होने से रोकता है। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये एक काला सा डंडा जो और काला पीला पेंट के साथ लगा हुआ, ये हाइट गेज है। आइए अब हम आपको एक संपार फाटक के निर्माण की प्रक्रिया दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए ये। आप में से बहुत लोग ये वीडियो देख चुके होंगे और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप अनुमान लगाइए संपार फाटक होते हुए यह घटना घट रही, क्योंकि हर गाड़ियों के बाद लगभग फाटक खुलता है, तो जहाँ फाटक नहीं होगा वहाँ क्या हो सकता है। इसलिए फाटक बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि संपार फाटक का निर्माण कैसे हो रहा है। सबसे पहले DPR तैयार करके DPR के हिसाब से ज़मीन को लिया जाता है। अगर कोई उसमें फसल लगा कर रखता है तो फसल को काट दिया जाता है। उसके बाद फिर उसमें मिट्टी फिलिंग किया जाता है, सॉइल फिलिंग का काम होता है। फिर रोलर चलाया जाता है और मोटे मोटे गिट्टी सब डालकर उसे बिल्कुल ठोस बना दिया जाता है। उसके ऊपर में फिर सरिया यानी कि छड़ बांधा जाता है, क्योंकि रेल के नियम में जितना MM का छड़ और जो भी सामग्री देना हो उसी के अकॉर्डिंग लगभग बनाया जाता है। ये सारे प्रक्रिया करने के बाद उसके बाद कंक्रीट करने की प्रक्रिया आती है। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी कंक्रीट मशीन से मिलाकर इस पर डाला जा रहा है। कंक्रीट में सीमेंट, रेत और मोर्टार ये सब का उचित मात्रा में समावेश होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेलवे। इसके बाद फिर वाइब्रेटर से इसे बिल्कुल ठोस कर दिया जाता है। वाइब्रेटर चलाना अनिवार्य है इस पर। उसके बाद इसे प्लेन कर दिया जाता है। प्लेन करने के बाद इस पर छोटे छोटे लाइन बनाकर पानी रख दिया जाता है, वो भी अगले दिन, ताकि ये बिल्कुल जम जाए और ठोस हो जाए। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5-7 दिन लग जाता है, क्योंकि पानी छोड़कर रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कंक्रीट डैमेज होने लगेगा। और अगर ज़्यादा चौड़ाई में रोड है तो उसको अलग अलग पार्ट में बनाया जाता है, क्योंकि पब्लिक को गुजरने के लिए रास्ता भी छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो पब्लिक उसी पर पैर रख के जाएंगे और वो रोड हमारा बेकार हो जाएगा। जब पानी का प्रक्रिया भी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद रोड को ब्लॉक्स में काटा जाता है, ताकि इसकी मजबूती बरकरार रहे और इसमें किसी भी प्रकार का दरार ना आए। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपके साथ। जय हिंद।